अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलें जी, खुदावंद पाक से दुआ है कि खुदा आपको अच्छा रखे और खुदा बरकतों से नवाजे। ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन, इस पर ज़रा बात करते चलें। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को गाइड किया कि प्लांट्स में जो है सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और एनिमल्स में केमिकल के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, आज हम बात करेंगे एनिमल्स के हवाले से केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सो मीन एक्सटेंशन, हैविंग डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स अपनी जो सेक्रेशन है वो डक्ट्स के थ्रू अपने टारगेट पॉइंट पर पहुँचा देती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, दीज आर विदाउट डक्ट्स, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्ट जो है अपनी सेक्रेशन जो है ब्लड में पोर करते हैं। ये आपको कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन ग्लैंड्स के अंदर जो केमिकल्स सेक्रेट होते हैं, ये केमिकल्स हैं हार्मोन्स। ओके, अब मैं बात करूंगा अबाउट हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स आर टाइनी मॉलिक्यूल्स, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और याद रखिएगा, जो हार्मोन्स हैं ये कभी भी केमिकल प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते, दे रेगुलेट, या तो इन्हांस करते हैं या उसको इनहिबिट करते हैं। ओके, इन हार्मोन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, नेचर है। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ। एग्ज़ाम के हवाले से एक तो इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, ये जो नेचर डिफरेंट मैंने बताई है यहाँ पे, ठीक है। फिर एब्रीवेशंस के हवाले से आ सकता है, ठीक है, ये आपने सारा समझना है। अब है टाइप एंड नेचर ऑफ हार्मोन्स। चूँकि बायो के स्टूडेंट ने आगे एमडी कैट भी देना होता है, जो जिनके 6 मार्क्स आएंगे, तो वो ये कोर्स में शामिल है, तो आपने हर तौर से इसको फोकस करना है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बायोलॉजी को बड़े कंसेप्ट से लेके चलें, ठीक है, ताकि आगे आपको बेनिफिट हो। अच्छा, ये देखिएगा, नेचर ऑफ हारमोन्स के हवाले से बात करें, प्रोटीन नेचर, ठीक है। एक कुछ हारमोन्स प्रोटीन नेचर होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और कुछ स्टेराइड नेचर होते हैं। अब हम इन चारों कैटेगरीज़ को वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल्स। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले प्रोटीन्स नेचर, इसमें दो हैं, ये आपको एग्जांपल का आइडिया होना चाहिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, मतलब उसके ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और ना सिर्फ ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, बल्कि जो इंसुलिन है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन, दिस वन हार्मोन एक्चुअली कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। आइडिया हो गया। अच्छा, अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दीज सिक्रीट फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो ये आपको पता है, स्टमक और इंटेस्टाइन के साइड पे, वहाँ पर जो ब्रॉडर पार्ट है स्टमक का, उसके साथ ये अटैच होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज। अच्छा, एक बात बताता चलूँगा आपको, ये तो प्रोटीन के बारे में बात हो गई। सेकंड जो कैटेगरी है, अमीनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव, यानी कुछ ऐसे जो हैं हार्मोन्स हैं जो फ्यू अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल आपने याद रखनी है थायरोक्सिन, ये देखिए थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब ये जो थायरोक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये जो हमारे किडनी के टॉप पर एड्रेनल ग्लैंड होता है, उसके जो मेडुलर रीजन है वहाँ से सेक्रेट होता है। अब थर्ड पर आ जाएँ पॉलीपेप्टाइड्स, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में अगर एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ जाते हैं तो पता होना चाहिए, ADH, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसन, और एक और जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ADH है और जो ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड्स में एग्जांपल तो आपको आइडिया हो गया, इसकी डिटेल भी हम आगे चल के देखेंगे। बट ADH जो है जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि
इस एडीएचडी जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो परमियबिलिटी बढ़ जाती है कैपिलरीज की, और जो वाटर है वो बैक इनटू कैपिलरीज चला जाता है। और ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, जो ऑक्सीटोसिन है इसके दो फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन एक तो डिलीवरी के वक्त जो है ये यूट्रस को कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है, लेबर पेन में हेल्प करता है। और फिर दूसरा जो है, बच्चा जब आफ्टर डिलीवरी जरा बेबी ने फीड करना होता है, माँ से फीडिंग लेनी होती है, तो इसके लिए ये जो है जैसे बच्चा मैकेनिकल स्टिमुलाई माँ को देता है तो उससे क्या होता है, मदर को स्टिमुलेशन होती है, उससे फिर उसकी ब्रेन से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो जो मेमरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं, डायलेट यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करेगा विच हार्मोन ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के हवाले से। ओके, स्टेरॉइड्स की जब बात करते हैं तो लिपिड टाइप, इसमें टेस्टोस्टेरोन, ये देखिएगा टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो हैं ये दोनों, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ओके, अच्छा एक बात समझाता चलूँ, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के केस में टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से सिक्रीट होगा, और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये ओवरी, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटम है उससे भी रिलीज होता है। फिर प्लेसेंटा जब बनता है, ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, बच्चे और माँ के दरमियान जो कनेक्शन है, जब प्लेसेंटा तो वहाँ पर भी ये सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन जो है ये भी ओवरी से सिक्रीट होता है, ठीक है, ये सेक्स, ये गोनेड से रिलीज होता है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन से, ठीक है, ओवरी के हवाले से बात करें हम। ओके, अब हमने देखा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट नेचर, और हमने इसकी हार्मोन के वाले टाइप्स की बात की। अब आ जाएं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपने ब्रेन में पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ठीक है, हाइपो मीन बिलो, क्योंकि ये थैलेमस हाइपोथैलेमस से बिलो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसके थ्री लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मीडियल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये देखिए ये बड़ा जो एंटीरियर लोब है, मीडियल लोब और पोस्टीरियर लोब। ओके, और ये जो इसकी मेन स्टाक है जहाँ से सप्लाई जाती है नर्व्स की और आर्टरी वेन की, इसे बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ओके, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी आज के टॉपिक के हवाले से। ये जो इंटीरियर लोब है, इस चूँकि बड़ा लोब है, इसे मैक्सिमम हार्मोन रिलीज होते हैं, और यही जो सारे हार्मोन्स हैं इसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, आज शॉर्ट में हम बात करेंगे, ये बाकी हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को वी नेम दैट इज़ मैस्टर ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को इस लोब की वजह से मैस्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इंटीरियर लोब की बात करें तो ये इसमें से दिखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है और एमसीक्यू के हवाले से भी। इसमें से एसटीएच सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, एसीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होगा एंड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। इन सब की डिटेल में मैं कल बात करूँगा, मीन नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम बात करेंगे, बस आप इतना समझ लो एब्रीवेशन, हम बात करेंगे इसके क्या क्या रोल्स हैं जी। अब हम बात करेंगे मीडियल लोब में एमएसएच, ये देखिए मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ आ जाएं, देखिएगा दिस वन पोस्टीरियर लोब जो है, ये देखिए इसमें बात कर चुके हैं, पोस्टीरियर लोब से एडीएच रिलीज होगा एंड ऑक्सीटोसिन, इस पर हम डिटेल में बात कर चुकी हैं, लेकिन प्रीवियस जो हमने बात की और फिर हम जो कमिंग लेक्चर में बात करेंगे इसमें हम इन पेशेंट को दोबारा देखेंगे और इनको डिटेल में देखेंगे कि इनके ये हार्मोन कौन कौन से हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ये ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, कम हो जाए तो क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में करते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ओके जी, आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक जो आज समझाया आपको समझ आ गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।